तो हेलो गाइस, तो ये एक अपडेट वीडियो है हनी गेन के ऊपर, जिसमें GMPT टोकन में आप कैसे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जो अभी रिसेंटली एक नया अपडेट आ चुका है, CELO एक मेननेट इसके अंदर ऐड हो चुका है, जिसमें आप पहले BSC में चेंज करते थे, मतलब अपना जो विड्रॉल लेते थे GMPT में बाइनेंस स्मार्ट चेन में लेते थे, लेकिन अब एक सेलो करके एक मेननेट आ गया है, उसी के अंदर उसे आप ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद वहाँ पे से आपकी गैस फीस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। मतलब जहाँ पे आपकी 0.15 के अप्रॉक्स, 0.13 के अप्रॉक्स आपकी GMPT टोकन की गैस फीस ही लग जाती थी BSC में, उधर आपकी 0.001 या 0.012 ऐसा कुछ लग रहा है, तो बहुत ज़्यादा कम आपकी गैस फीस लगेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी जो अर्निंग है वो सिंपल सी बात है बढ़ी जाएगी। तो बस मैं आपको स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना है, बिना स्किप करते हुए वीडियो देखिए। तो यहाँ पे आपको टोकन को ऐड करने के लिए सिंपली आ जाना है अपने मेटामास वॉलेट में। मेटामास वॉलेट में आप यहाँ पे जैसे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपका जो BSC नेटवर्क है वो पहले से यहाँ पे ऐड होगा, उसके अंदर आपके GMPT टोकन यहाँ पे पहले से ही ऐड होंगे, नहीं होंगे तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे आपको ऐड टोकन पे क्लिक कर लेना है, उसके बाद कस्टमाइज टोकन पे जाना है और यहाँ पे आपको एड्रेस फिल कर लेना है। ये इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सेम आपको यहाँ पे लिख लेना है जो जो मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। देन यहाँ पे आपके पास इसका नेम यहाँ पे आपको लिख के और ID का नंबर डाल के उसके बाद आपको ओके कर लेना है। नीचे की आपको दो चीज़ों को फिल करें ना करें ऑप्शनल है। यहाँ पे ऐड कर दिया आपका टोकन जो है GMPT ऐड हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा सेलो, उसके बाद आपका जो टोकन यहाँ पे शो होने लगेगा, आगे वीडियो में आपको दिखा दूंगा। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सेलो में जो हैगा, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिल जाएंगी, इसके अंदर आपका जो टोकन है वो थोड़ी देर बाद आपको शो होने लगेगा। तो अब चले जाते हैं बैक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरे पास अभी GMPT का वॉलेट है, अगर आप अपने हनीगेन ऐप के अंदर डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इधर इनडायरेक्ट हो जाएंगे और आपको अपना वॉलेट का जो बैलेंस है वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सेलो में अपना एक होल्ड रखा है और सेलो में मैं आपको इसकी गैस फीस दिखा देता हूँ कि कितनी रिड्यूस हो जाती है अगर आप BNB स्मार्ट चेन पे लेते हैं इसका विड्रॉल, तो उसके अंदर आपकी बहुत अच्छी खासी जो है गैस फीस लगती है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेरी अर्निंग है वो 0.00008 GMPT टोकन है, लेकिन मैंने यहाँ से अभी विड्रॉल ले लिया है और यहाँ पे 0.2324 का जो मैंने विड्रॉल ले चुका हूँ वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा वीडियो में। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते रहें। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आप BSC में अगर विड्रॉल लेते हैं या फिर सेलो में विड्रॉल लेते हैं तो उनमें डिफरेंस क्या है, उनकी गैस फीस कितनी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है और आपकी यहाँ पे अर्निंग बढ़ जाती है। अभी तो मेरा अमाउंट थोड़ा सा कम है, मेरे पास फुल्ली GMPT, एक GMPT टोटल भी नहीं है, तो मेरी अर्निंग में इतना ज़्यादा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपके पास अच्छी खासी अर्निंग हो चुकी है GMPT में, अप्रॉक्स 1, 2, 3, 4 या 5, 10 तक भी GMPT हो चुके हैं, तो उसमें आपको अच्छी खासी यहाँ पर अर्निंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं विड्रॉल पे जैसे ही आप क्लिक करूँगा यहाँ पे, तो मेरे पास दो ऑप्शन खुलने के बाद आ जाते हैं, एक BSC नेटवर्क स्मार्ट चेन का, बाइनेंस स्मार्ट चेन का नेटवर्क, और एक आ जाता है सेलो का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मेरा यहाँ पे ऑटो सेलेक्टेड है BSC, तो BSC में आप गैस फीस देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है, 0.1381 मतलब 0.15 के आसपास आपकी गैस फीस ही लग जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और सेलो पे क्लिक करेंगे जो अभी नया ऑप्शन ऐड हुआ है, तो उसके अंदर आपकी गैस फीस 0.00193 मतलब 0.002 के अप्रॉक्स आपकी गैस फीस लगेगी, जो बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल है, बहुत ही कम है। तो यहाँ से मैंने विड्रॉल लिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरी ट्रांजेक्शन जहाँ से मैंने अभी अभी सेलो में विड्रॉल लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एक विड्रॉल 13 में आज की डेट को कंप्लीट हो चुका है, जो इतने सेलो का था। अब मैं आपको इसे दिखा देता हूँ कि मेरा जो विड्रॉल है वो कहाँ पे था। मैं अपने वॉलेट सेक्शन पे आता हूँ और वॉलेट सेक्शन पे आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने पहले यहाँ पे GMPT को ऐड करना सिखाया। ऐड करने के बाद जब आपका ऐड हो जाएगा तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि GMPT 0.28488 मेरे यहाँ पे ऐड हो चुके हैं, जो कि मेरे पास इतने ही थे करीब करीब। मतलब मेरी GMPT में $0 भी मेरे बिल्कुल नहीं कटे, जितने थे उतने ही मुझे मिल गए। अब यहाँ से मैं इस अर्निंग को जोड़ते जाऊँगा जोड़ते जाऊँगा, जब अच्छा खासा बुल रन आएगा और ये मेरे पास अच्छे खासे ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मैं इसे सेल आउट करूँगा, स्वैप कर लूँगा किसी बढ़िया टोकन में। तो बस यही थी आज की वीडियो एक हनी गेन के नए अपडेट के बारे में, जिससे आप अपनी अर्निंग को इन्हेंस कर सकते हैं इनडायरेक्टली और अपनी गैस फीस बचा सकते हैं। और बस यही थी आज की वीडियो। तो सिंपली अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक करके जरूर जाना, जिससे मेरा मोटिवेशन बढ़े। और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे बाय।